विमलगुरुंग गुट मोर्चा द्वारा जयगांव मंगलवाड़ी गोरखा भवन में स्वागत किया गया दार्जिलिंग के बीजेपी सांसद राजू बिष्ट को। स्वागत समारोह में सांसद राजू बिष्ट ने बंगाल में भी एनआरसी लागू करने की मांग की। हमारा ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चल दिया और हमारे धर्मशाला में आके बैठ रहा है। इससे हमारे बच्चों के अधिकार, हमारे अपने अधिकार छीने जाते हैं। और ये एनआरसी की आवश्यकता आसाम के अलावा मुझे लगता है बंगाल में बहुत ज्यादा आवश्यक है। और मुझे लगता है अगर यहाँ पे एनआरसी लागू होगा तो यहाँ के जो मूल निवासी है उनको शांति मिलेगी, उनको अपना अधिकार मिलेगा। एनआरसी को लेकर एक अंश गोरखा भविष्यत को लेकर भयभीत हो पड़े। 1995 साल से लेकर 2000 साल तक 5 सालों में भूटान से 1,20,000 नेपालियों को भूटान से निकाले गए थे। वह लोग भूटान से निकलकर पश्चिम बंगाल के तराई डुवर्स इलाके में रहने लगे। कई नेपाली आसाम में भी बसे थे। हाल ही में आसाम में एनआरसी लागू होने के कारण 1,80,000 नेपालियों को आसाम सरकार ने एनआरसी से बाहर किया एवं बंगाल से भी गोरखा बाहर न हो जाए, इसी को लेकर भयभीत हुए हैं तराई डुवर्स के गोरखा। एनआरसी के विरोध दलसिंहपाड़ा में निकाला गया प्रतिवाद रैली। दलसिंहपाड़ा अंचल तृणमूल कांग्रेस द्वारा तृणमूल नेता शंभु जसवाल ने बताए, हाल ही में एनआरसी के नाम पर असम से 13,00,000 बंगाली, 2,50,000 बिहारी, 1,80,000 गोरखा, 1,25,000 आदिवासी, कुल 19,00,000 भारतीयों को एनआरसी से बाहर किया गया असम सरकार द्वारा। बंगाल में भी बीजेपी ऐसा ना कर पाए, इसको लेकर प्रतिवाद रैली निकाला गया एनआरसी के विरोध। बोला तो गया था बांग्लादेशी को बाहर निकालेगा, लेकिन आज में 13,00,000 बंगाली, हमारा 2,50,000 बिहारी भाई लोग, 1,80,000 गोरखा भाई लोग, 1,25,000 आदिवासी भाई लोग, ऐसे करके 19,00,000 लोग को जो इस देश का वासी है, जिसका पुरखा इस देश में जन्म लेकर इस मिट्टी में पला बढ़ा है, उसको एनआरसी के नाम में परेशान कर रहा है। बेरोजगारी दूर करने का लोगों का जगह नहीं है, लोगों को काम नहीं देता है, खाली कभी एनआरसी के नाम में कभी और गलत तरीका से लोगों को परेशान किया जा रहा है। ये बीजेपी सरकार का विरोध में, ये एनआरसी के विरोध में जो हम लोग का गरीब जनता को एनआरसी का कागज पत्र के नाम में जो सताया जा रहा है, उसका विरोध में हम लोग ये आज का जुलूस है, महाजुलूस। आने वाला दिन में अगर एनआरसी के नाम में ऐसा ही हम लोगों को सताया गया तो हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा जोरदार तरीका से आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे।